काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन, गणनीय एवं अगणनीय संज्ञा। इससे पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने संज्ञा के बारे में जाना, यानी नाउन के बारे में समझा। नाउन के कई प्रकार हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इनके बारे में हमने समझा। इसके बाद हमने क्रियावाचक संज्ञा, एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, जेरंड, GERUND, जेरंड के बारे में भी समझा। हमने ये भी समझा कि कोई भी वर्ड जो एक नाउन है वो किसी न किसी एक जेंडर से बिलोंग करता है। जेंडर, तीन जेंडर हैं, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर, हमने इसके बारे में समझा। और साथ ही साथ हमने ये भी समझा कि नाउन के दो नंबर्स होते हैं, एक है सिंगुलर नंबर, एक है प्लूरल नंबर। और आज हमारा फोकस है काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन पे। सबसे पहले बात करते हैं काउंटेबल नाउन की, गणनीय संख्या, दैट कैन बी काउंटेड, बहुत सिंपल, जिन्हें गिना जा सकता है, ऐसे नाउन जिन्हें आप गिन सकते हैं। एग्जाम्पल, पेन। देखिए, समझने का तरीका बहुत सिंपल है। पेन को आप गिन सकते हैं, एक पेन, दो पेन, तीन पेन, चार पेन, पांच पेन, छह पेन, हाँ आप गिन सकते हैं, इसलिए ये एक काउंटेबल नाउन है। बॉय, वन बॉय, टू बॉयज, थ्री बॉयज, फोर बॉयज, फाइव बॉयज, यानी ये काउंटेबल है। किताबों को भी आप गिन सकते हैं। गर्ल यानी लड़की, लड़कियों को भी आप गिन सकते हैं। मैन, वन मैन, टू मैन, थ्री मैन, फोर मैन, फाइव मैन, इन्हें आप गिन सकते हैं, इसलिए ये पर्टिकुलर वर्ड भी एक काउंटेबल नाउन है। सिटी, एक सिटी, दो सिटीज, तीन सिटीज, इसे भी गिन सकते हैं। पेज, इसे भी गिन सकते हैं, वन पेज, टू पेज, थ्री पेज, फोर पेज, तो ये भी एक काउंटेबल नाउन है। अब बात करते हैं हेयर और स्टार की। मैंने अभी तक जितने भी एग्जाम्पल आपको दिए, मैंने क्यों ऐसा किया, वन पेन, टू पेन, थ्री पेन, फोर पेन, इसका कारण है, मैंने इसलिए किया ऐसा क्योंकि जब मैं आपको ये समझाऊंगा हेयर, कई लोग बहस करते हैं कि हेयर जिसका मतलब होता है बाल, ये काउंटेबल कैसे है। हम तो कहते हैं कि बाल अनगिनत है, इन्हें गिना नहीं जा सकता। हाँ, ये बात ठीक है कि वो काफी हैं, बहुत हैं, गिनना बहुत मुश्किल है, लेकिन ऐसा नहीं आप कह सकते कि ये गिने नहीं जा सकते, ये बात आप बिल्कुल नहीं कह सकते। कारण, मान लीजिए आपके सर से, आपके सिर से चार बाल नीचे गिर जाते हैं, तो आप चारों को एक एक करके उठाओगे, एक बाल, दो बाल, तीन बाल, चार बाल, तो क्या गिन नहीं सकते? गिन तो सकते हैं। हाँ, ये बात अलग है कि आपके सिर में कई बाल हैं, इस वजह से आप ये कहते हैं कि बाल बहुत सारे हैं, अनगिनत हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप गिन नहीं सकते। इसलिए हेयर एक काउंटेबल नाउन है क्योंकि इसे गिना जा सकता है, वन हेयर, टू हेयर्स, थ्री हेयर्स, फोर हेयर्स, फाइव हेयर्स, और हेयर के साथ एस लगाया जाता है, ऐसा भी ना समझे कि नहीं लगाया जाता। इसी तरह से स्टार, देखिए तारे बहुत होते हैं, अनगिनत हैं, लेकिन गिन तो आप सकते ही हैं, एक तारा, दो तारे, तीन तारे, चार तारे, पांच तारे, तो इसलिए ये जो वर्ड है स्टार, ये भी एक काउंटेबल नाउन है। आइए आगे बढ़ते हैं, अब जानते हैं अनकाउंटेबल नाउन के बारे में। अनकाउंटेबल नाउन, जिसे हिंदी में कहते हैं अगणनीय संज्ञा, दैट कैनॉट बी काउंटेड, जिन्हें गिना नहीं जा सकता है। एग्जाम्पल, मिल्क, मिल्क मतलब दूध, आप ऐसा नहीं कह सकते एक दूध, दो दूध, तीन दूध, चार दूध, तो ये जो वर्ड है मिल्क, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से शुगर, शुगर मतलब चीनी, आप ऐसा नहीं कह सकते एक चीनी, दो चीनी, तीन चीनी, चार चीनी, आप ऐसे नहीं कह सकते, इसलिए ये जो वर्ड है शुगर, ये एक अनकाउंटेबल नाउन है। इसी तरह से देखिए ऑनेस्टी, आप तो जानते हैं ऑनेस्टी एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ये आपको नाउन लेक्चर में बताया गया है कि क्यों ये एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, यानी भाववाचक संज्ञा, इसको आप गिन नहीं सकते, किसी भी भाववाचक संज्ञा को आप गिन नहीं सकते, ऑनेस्टी आप इसे गिन नहीं सकते। मनी, आप मनी को भी नहीं गिन सकते, देखिए ये भी एक डिबेटेबल इश्यू है, कई बार लोग कहते हैं मनी को तो आप गिन सकते हैं, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, चार नोट, या एक रुपए, दो रुपए, तीन रुपए, नहीं, यहां बात नोट या सिक्के की नहीं हो रही है, इस वर्ड पे ध्यान दीजिए, मनी, क्या आप ऐसा कह सकते हैं वन मनी, टू मनीस, थ्री मनीस, फोर मनीस, आप ऐसा नहीं कह सकते।
तो मनी एक अनकाउंटेबल नाउन है। हाँ अगर मैं ये कहूं एक सिक्का, वन कॉइन, टू कॉइन्स, थ्री कॉइन्स, फोर कॉइन्स, तब कॉइन जो एक वर्ड है ये काउंटेबल है क्योंकि आप उसे गिन सकते हैं, वन कॉइन, टू कॉइन्स, थ्री कॉइन्स, फोर कॉइन्स, इस तरह से। इसी तरह से नोट भी आप गिन सकते हैं। मान लीजिए मैं आपको 10 नोट दे दूं, आप गिन सकते हैं एक नोट, दो नोट, तीन नोट, चार नोट, पांच नोट, छह नोट। तो नोट जो अपने आप में एक वर्ड है, एक नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसको आप यहां पर नोट को आप गिन सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है लव, इसको आप गिन नहीं सकते, ये एक अगणनीय संज्ञा है, अनकाउंटेबल नाउन। हेट या फिर गोल्ड, ये भी अनकाउंटेबल नाउन है। देखिए